कबीर अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जना नमाए। दर्शकों नमस्कार, जैसा कि हम जानते हैं कि भारतवर्ष में काफ़ी यात्राएं निकाली जाती है। आज से लगभग 90 साल पहले गांधी जी द्वारा साल्ट के टैक्स को खत्म करने के लिए एक दांडी यात्रा निकाली गई थी, और सन 2022 से 2023 में राहुल गांधी जी द्वारा भी भारत छोड़ो यात्रा निकाली गई थी। आज हम उसी प्रकार की एक यात्रा यहाँ फरीदाबाद में देख रहे हैं। ये कोई साधारण, ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण यात्रा है, इसको शोभा यात्रा का नाम दिया गया है। जैसा कि अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर एक रथ जो है वो आ रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, जो संत रामपाल जी महाराज जी के लगभग 11 आश्रमों में कबीर साहिब जी के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में समागम होने जा रहा है, उसकी निमंत्रण रैली यानी कि शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं इसकी झांकी पूरी आ रही है। यहाँ पर पुलिस के कर्मचारी भी इसमें पूरा सहयोग और समर्थन दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का, और बहुत ही शानदार तरीकों से इन्होंने एक रथ को सजावटों से की सजावट करी है। आइए हम आपको थोड़ा दिखाते हैं इसको करीब से। इसमें जो है संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप भी रखा गया है, जिस पर लगातार चवर की सेवा कर रहे हैं उनके भगतजन। जैसा कि आप देख सकते हैं काफी भारी मात्रा में यहाँ पर बाइक और कार में काफी समर्थन साथ में इस शोभा यात्रा में भाग लेने आए हैं। आप देख सकते हैं लगभग हमें पता लगा है कि यहाँ पर 50-60 गाड़ी और लगभग 100-200 बाइक में यहाँ पर समर्थन देने आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु। सभी श्रद्धालुओं की जो बाइक और गाड़ी है उन सब पर सच्चाई के झंडे लगे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको अभी इसकी और आगे भी जानकारी देते रहेंगे। तो दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु हमारे साथ जुड़े हैं, ये इनसे कुछ बातचीत करते हैं और इस शोभा यात्रा के बारे में कुछ जानकारियाँ लेते हैं। जी नमस्कार सर। सर कहाँ से आए आप? मैं फरीदाबाद जी जिला। जी सर, जो आपने ये ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी हुई है, तो क्या आप ट्रैफिक के कर्मचारी हैं या फिर कहाँ से आप? नहीं, हम संत रामपाल जी महाराज सेवा में लगे हुए हैं, उनकी आज शोभा यात्रा निकाली जा रही है, तो उनकी हम सेवा के लिए। तो सर, ये जो आप वॉलंटियरिंग कर रहे हैं यहाँ पे ट्रैफिक की सुविधा को मैनेज कर रहे हैं पूरा, इसके लिए आपको कितने पैसे दिए जा रहे हैं? कोई सैलरी है? कोई पैसे नहीं है, कोई पैसा नहीं। गुरु जी महाराज की सेवा में कोई पैसे नहीं जाता, नहीं दिया जाता, बाकी जो अपनी सरकार से सेवा है। और कोई सुविधा है सर यहाँ पे? सारी सुविधा है उनकी, आश्रम बना हुआ है हमारे यहाँ पे, और उनमें सत्संग होता है, बाकायदा खाना पीना, गुरु जी का नाम बगैर पैसे के दिया जाता है, पैसे नहीं लगता गुरु जी नाम देते। और ये सर सबको ठंडा पानी जो प्रोवाइड कराया जा रहा है, इसके भी कुछ पैसे लिए जा रहे हैं? नहीं, कोई नहीं, ये भक्तों की सेवा है, भक्तों की और गुरु जी की मालिक की तरफ से खाना जो है खाना दिया जा रहा है सब भक्तों को, और ये पानी की सेवा है, किसी को एक पैसे भी नहीं दिया। गाड़ी है वो फ्री है गुरु जी की भक्तों की तरफ से, गुरु जी की तरफ से मोटरसाइकिल सेवा, ये सब भक्तों की सेवा है, कोई एक पैसे का किसी ऊपर कोई जवाब नहीं, कुछ देना नहीं। जी धन्यवाद सर। जी नमस्कार सर। सत्यदेव जी, सर ये जो शोभा यात्रा आपके द्वारा निकाली जा रही है यहाँ पर, ये कहाँ से शुरू है और कहाँ तक चली जाएगी सर? ये जिधर सेक्टर 21 बी जहाँ पे रियान टेस्ट स्कूल है वहाँ से शुरू की थी हमने, और ये पानगढ़ मार्केट होते हुए बी के हार्डवेयर होते हुए, और अब ये पहली चौक से लेकर और अगर 4 रुपये खत्म होगी डबो होते हुए। सर लगभग कितने किलोमीटर की ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है? 12 किलोमीटर के लगभग है, 12 किलोमीटर। जी, इसमें सर ट्रैफिक की क्या व्यवस्था कर रहे हैं आप लोग? ट्रैफिक के लिए हमारे वॉलंटियर्स हैं, कम से कम हमारे यहाँ पर 100 वॉलंटियर हैं। तो हमारे साथ अभी एक भगतजन और जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, आइए इनसे कुछ पूछताछ करते हैं और इनसे की कोई शोभा यात्रा के बारे में जानकारियां लेते हैं।
जी नमस्कार मैम, कहाँ से आए आप? मैम, ये जो आपने एक बैनर लिया हुआ है जिस पर लिखा है सुखी होगा हर इंसान पृथ्वी बनेगी स्वर्ग समान, तो संत रामपाल जी महाराज जी पृथ्वी को स्वर्ग समान कैसे बना रहे हैं, हमें थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज समाज से बुराइयों को खत्म कर रहे हैं, नशा को, दहेज को और चोरी रिश्वत खोरी, ये सब जो है समाज के अंदर से खत्म कर रहे हैं और इसके साथ साथ शास्त्र अनुसार सब बच्चे बच्चों को बता रहे हैं, जिससे कि हमारे समाज के अंदर काफी सुधार आ रहा है। जी धन्यवाद। Thank you.